सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस चैनल। हमारा आज का टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। हम आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म क्या है और स्पर्म की कुछ इम्पॉर्टेंट आपके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। देखिए, सो फॉर द स्पर्म, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा सेल दैट इज कॉल्ड एज द स्पर्म, एंड द स्पर्म इज द सेक्स सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये सेक्स सेल है जिसका नाम स्पर्म है, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जब हम ये कहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट सेल है हमारी बॉडी का, उसके साथ ही पैरेलल हमारा ये क्वेश्चन भी आता है दैट विच इज द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। आवर आंसर विल बी द ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। द साइज ऑफ द ओवम इज अप्रॉक्सीमेटली 300 microns, जबकि स्पर्म हमारा अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 7 microns। अब ये देखते हैं हम कि हमारी स्पर्म की स्ट्रक्चर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला पार्ट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, द स्पर्म कंटेन्स द 4 parts। नंबर 1 इज द हेड, देन इज द वेरी स्मॉल नेक, थर्ड पार्ट इज द मिडल पीस, एंड फोर्थ वेरी लॉन्ग पार्ट विच इज कॉल्ड एज द टेल। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, हम सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करेंगे दैट व्हाट इज द हेड, व्हाट डज इट कंटेन। द हेड कंटेन्स द न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। हेड में न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। द अपर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द एक्रोसोम। ये इसको हम एक्रोसोम कहते हैं बिकॉज इट सिक्रीट सर्टेन एंजाइम्स व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द ओवम। तो ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है विच हेल्प टू डिजोल्व द वॉल ऑफ द ओवम। ओवम की दीवार को डिसॉल्व करने में ये एंजाइम जो एक्रोसोम सिक्रीट करता है ये उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। सो दैट द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि जो हमारे ऐसे मटेरियल जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, स्पर्म के न्यूक्लियस में, वो फीमेल के ओवम के न्यूक्लियस के साथ जब ये आपस में यूनाइट करेंगे तो ये जेनेटिक मटेरियल ये उनका आपस में इजीली मिक्सअप हो सके, मिल सके, इसलिए ये हमारा एक्रोसोम ओवम की वॉल को डिसॉल्व करने में, दीवार को डिसॉल्व करने में बहुत सहायता प्रदान करता है। द सेकंड पार्ट विच इज द नेक, नेक इज वेरी स्मॉल कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, बहुत एक छोटा सा पार्ट होता है जो ठीक हमारे हेड के स्ट्रक्चर ऑफ द हेड के ठीक नीचे पाया जाता है, एंड इट यूनाइट्स द मिडल पीस, जो मिडल पीस और हेड को आपस में जोड़ने का काम करता है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द मिडल पीस। मिडल पीस एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है that what is the mitochondria. The mitochondria is the powerhouse of the cell. किसी भी cell की powerhouse का काम करने वाला that is the mitochondria, and it is also responsible for the respiration. ये respiratory function भी perform करता है। जिस cells में जितने ज़्यादा mitochondria होंगे उतनी ही उसकी power, उतना ही उसके अंदर पावर हाउस का काम ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म होगा। सो दिस मिडल पीस कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। रिमेनिंग पार्ट दैट इज द टेल, टेल इज अप्रॉक्सीमेटली 90% पार्ट ऑफ द टोटल स्पर्म बॉडी इज द टेल। सारी स्पर्म स्ट्रक्चर का लगभग 90% भाग दैट इज द टेल। अब इनका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपके सामने हम बताएंगे। द हेड विच इज 5 micrometer इन लेंथ, 3 micrometer
वाइड, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है। दिस इज ओवल इन शेप, अंडाकार देखने में नजर आता है। नेक ओनली वन माइक्रोमीटर, सिर्फ एक माइक्रोमीटर का पार्ट है ये, बहुत ही छोटा पार्ट पाया जाता है। द मिडल पीस विच इज अप्रोक्सीमेटली से हैविंग नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर फॉर द एनर्जी। द रिमेनिंग 90% पार्ट इन लेंथ दैट इज द टेल, और स्पर्म की टेल हमेशा मूवमेंट में रहती है। दिस इज मोमेंट्री, आप ये नहीं कह सकते कि एक हेल्दी स्पर्म के अंदर ये स्पर्म हमेशा इसकी टेल वाइब्रेट करती रहेगी, मूवमेंट दिखाती रहेगी राइट एंड लेफ्ट, ये अपना अपना स्विमिंग का काम करता रहता है, दाएं से बाएं, बाएं से ऊपर नीचे, हर जगह पर अपनी मूवमेंट दिखाता रहता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द टेल। द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द टेल विच इज इट्स मोमेंट्री पार्ट विच हेल्प्स इन द मूवमेंट। देन हाउ मच इज द मूवमेंट, ये मूवमेंट स्पर्म की कितनी और कैसे होती है। द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 3 mm, 3 millimeter पर मिनट, एक मिनट में ये 1.5 to 3 mm अपनी मूवमेंट दिखाता है। प्रोडक्शन, ये कितने प्रोड्यूस होते हैं इन द ह्यूमन टेस्टिस, दोनों टेस्टिस में राइट भी लेफ्ट भी, अप्रोक्सीमेटली और अबाउट 2000 per second, 2000 स्पर्म्स प्रति सेकंड दोनों टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, सिक्रीट होते हैं, और लगातार ये हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जैसे कि आपने स्टडी किया एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस से वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल के अंदर आकर के ये इनकी स्टोरेज हो जाती है। दी लाइफ पीरियड, द लाइफ पीरियड ऑफ द स्पर्म इज अबाउट 42 days, 42 days इसका लाइफ पीरियड है, और उसके बाद पुराने सेल डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, नए सेल आते रहते हैं, नए सेल बनते रहते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द स्पर्म। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर, दैट हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन आवर स्पर्म। देखिए, आपने ये भी स्टडी किया है कि हमारे प्रत्येक सेल में देर आर प्रेजेंट 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन देर इज प्रेजेंट द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म एंड द ह्यूमन बॉडी इट कंटेन्स 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। बट द सेक्स सेल, सेक्स सेल का मतलब है स्पर्म या ओवम, इसमें द नंबर इज रिड्यूस्ड, दिस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द ओरिजिनल, 46 का आधा पाया जाएगा। दैट मीन्स 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द स्पर्म, 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ओवम ड्यू टू द मियोसिस प्रोसेस, क्योंकि हमारी सेल डिवीजन में दो प्रोसेस ही चलती है, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, जो इसमें सेल क्रोमोसोम्स की मात्रा को 23 कर देती है, और दीज 23 क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द मेल्स, द 22 आर ऑर्डिनरी एंड वन इज द सेक्स क्रोमोसोम विच कंटेन्स द एक्स वाई फैक्टर। हमारे स्पर्म में दो फैक्टर्स पाए जाते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल बेबी, वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल बेबी। जबकि इन केस ऑफ द फीमेल 22 आर ऑर्डिनरी, वन इज सेक्स क्रोमोसोम, मगर उसमें सभी के सभी फैक्टर्स दीज आर द एक्स एक्स। हम ये कह सकते हैं कि अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ मिलेगा, द रिजल्टेंट विल बी द फीमेल बेबी, और यदि मेल का वाई
फीमेल के एक्स के साथ मिलेगा, द रिजल्टेंट विल बी द मेल बेबी. इन अदर वर्ड्स वी कैन से द फीमेल हैज ओनली द एक्स एक्स फैक्टर्स. महिला में सिर्फ एक्स एक्स फैक्टर्स हैं, जबकि पुरुष में वाई फैक्टर भी मौजूद है, एक्स और एक्स के अलावा वाई फैक्टर भी, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द सेक्स वेदर इट विल बी मेल और फीमेल बेबी. तो ये स्पर्म के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, अगर आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाए दैट विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, योर आंसर विल बी द स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, विच कंटेन्स द फोर पार्ट्स, हेड, नेक, मिडल पीस एंड द टेल. हमारा हेड ओवल शेप का है, कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड एट द टॉप ऑफ द न्यूक्लियस देयर इज प्रेजेंट द एक्रोसोम, जो एक एंजाइम छोड़ता है सेल ओवम की सेल वॉल को डिसॉल्व करने में, ताकि मेल के न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल फीमेल की ओवम के साथ न्यूक्लियस के साथ यूनाइट कर सके. वेरी स्मॉल पार्ट नेक, देन इज द मिडल पीस जिसमें मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया हैं, एंड द रिमेनिंग पार्ट द लॉन्गेस्ट पार्ट इज द टेल, जो सबसे लंबा भाग पाया जाता है, जिसकी सहायता से स्पर्म अपनी मूवमेंट दिखाता है राइट और लेफ्ट. देन लेट अस हैव सम हाइलाइटिंग फीचर्स अबाउट द सीमन, दैट व्हाट इज द सीमन, क्योंकि वो भी हमारे इसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीमन, एस ई एम ई एन. द मीनिंग ऑफ द सीमन इज दैट द सीमन is the structure, it is the, you can say the एक ऐसी मिली जुली स्ट्रक्चर है which contains number one sperms plus the seminal fluid, क्योंकि जिसमें seminal vesicle में ये रहते हैं उनका seminal fluid भी वहाँ already present होता है, plus जिस prostate gland में से ये pass करते हैं prostatic secretion भी इसके साथ मिल जाता है. आगे जैसे ये पास करेंगे दो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी प्रेजेंट हैं, वो बल्बो यूरिथ्रल सिक्रीशन भी इसमें मिला देती हैं. देयरफोर दिस ऑल कंबाइंड स्ट्रक्चर कंपोजिशन इज कॉल्ड एज द सीमन विच कंटेन्स द सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म्स प्लस प्रोस्टेटिक सिक्रीशन प्लस बल्बो यूरिथ्रल सिक्रीशन. ये सारी मिली जुली जितनी भी स्ट्रक्चर्स स्पर्म्स के साथ मिल करके बाहर आती हैं उसका नाम दिया गया है सीमन. तो सीमन एक ऐसी फ्लूइड स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे ये सभी सिक्रीशंस मौजूद हैं, सेमिनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्लस बल्बो यूरिथ्रल सिक्रीशन एंड कंटेन्स द स्पर्म. इन दिस वे we can decide, we can highlight that the structure of the sperm as well as the number of the chromosomes which are present inside it and the structure and the rate of production, and related with this there is also the point ejaculation, that what is the ejaculation. Ejaculation ka ye matlab hota hai forcefully coming out of the sperms out of the body along with all these structures, seminal fluid, prostatic secretion, bulbo urethral gland secretion, in sabhi ke saath mili juli structures ke saath forcefully male ki body se bahar aana, that is called as the ejaculation, which is approximately 3.5 ml, जो 3.5 ml पाया जाता है. द सिंगल इजैकुलेशन इज अबाउट 3.5 ml, और इस सिंगल इजैकुलेशन में कितने स्पर्म्स पाए जाते हैं,
द नंबर ऑफ द स्पर्म्स आर अप्रोक्सीमेटली 200 to 500 million स्पर्म्स। अब आप ये सोच समझ सकते हैं कि एक इजैकुलेशन में 200 से 500 मिलियन स्पर्म्स बाहर आते हैं, जिनमें से ओनली वन इज रिक्वायर्ड टू फर्टिलाइज द ओवम। बाकी बचे हुए जितने भी स्पर्म्स हैं दे आर नीडेड और दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और प्लीज़ डू सेंड योर कमेंट्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।